छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बारे में आपसे बातचीत करेंगे और उनके जो बचपन के दोस्त थे, उनके गांव के रहने वाले, उनके घर के पड़ोसी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया शंकर यादव नाम है। जी शंकर यादव है। ये बताइए विष्णुदेव साय के घर और आपके घर में कितनी दूरी है? नजदीक में है हम लोग का घर में, अगल बगल में हम लोग घर में। हम लोग खूब दिन से चाहते थे, हमारा संसद बने थे, बने थे, उसके बाद हम लोग बोलते कि भाई अब हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। हम लोग बड़ी खुश हैं, हम लोग का जो राम राज आ गया, हम लोग रावण राज चला गया। जय श्री राम, जय श्री राम। ये बताइए मुझे, ये बताइए कि बचपन में उनके बारे में बताइए, खेलने खेलते थे कुछ? हाँ नहीं, हमसे बड़े हैं हम लोग, बड़े भैया हैं। बड़े भैया? हाँ हमसे बड़े हैं। आपकी उम्र क्या है? हम लोग का जो 45 और उनका क्या है? उनका तो मेरे याद नहीं है, 50-60 से मन चले। अच्छा तो बचपन में उनको कितना जानते थे आप, की डरते थे उनसे? नहीं डरते थे, हम लोग साथ में पढ़े, मतलब हम लोग उनके बच्चा बराबर है, मान लीजिए। अच्छा, उनके बच्चा बराबर हम लोग है, उनके लड़का बराबर है। घर में कौन कौन है उनके? उनके भाई है, मम्मी पापा, मम्मी है। बचपन में वो मछली वछली पकड़ने जाते थे? नहीं, थोड़ा दूरी में थे ना, तो उतना हम लोग नहीं जाते। अच्छा, उनके और भाई लोगों से मुलाकात होती है? हाँ मुलाकात होता है घर में। हाँ। घर में जानते हैं। हाँ। पारिवारिक संबंध है उन लोगों का, भैया भाभी लोग जानते हैं सब। हाँ। हाँ। उनके शादी में गए थे? हाँ नहीं, शादी में गए थे, छोटे थे। हाँ छोटा था हम शादी में। हाँ। उनका शादी में हम छोटे थे, नहीं गए थे। आपके शादी में गए थे वो? नहीं, उस समय तो बाहर में थे, उन लोग कहाँ से आएंगे। और बताइए क्या जानते हैं उनके बारे में? और बस बहुत बढ़िया भैया, हम लोग का मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि आदिवासी का मतलब विष्णु साहब बनेगा और हमारा देश विकास होगा हमारा जसपुर जिला में। हम लोग खुद पहले से बहुत इंतजार कर, सपना में देखे थे कि आज हमारा मुख्यमंत्री बन जाएगा, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, जुदेव परिवार से उनका घर आना था? हाँ जुदेव परिवार से जो है, जसपुर का है, जुदेव परिवार से। जुदेव परिवार से पूरे जसपुर का घर आना था। परिवार कितने रहते हैं? एक परिवार है, जुदेव परिवार हमारा अभिनंग है, हमको छोटे भाई की तरह मानते हैं। विजय आदित्य प्रताप के साथ हमारा पारिवारिक संबंध है, मान के चलिए। आपका क्या संबंध है, आपका क्या नाम? मेरा नाम शिवा गुप्ता है, मैं पंडरी पानी से हूँ और एक कुनकुरी विधानसभा में आता है। अच्छा, तो विष्णुदेव साय को कब से जानते हैं? मैं जब छोटा सा तब से जानता हूँ। अच्छा, हमारे घर कई बार आए हैं। अच्छा, विधानसभा में हम लोग जो साथ में, अभी भी हम लोग साथ में प्रचार किए, एक गाड़ी में प्रचार किए हैं। दो दिन में उनको लीड भी किया था पंडरी पानी मंडल में, मैं पंडरी पानी मंडल के अध्यक्ष हूँ। अच्छा ये बताइए, मेरे घर से कोई नेता बनता, मुख्यमंत्री बनता, तो मैं तो खुश हो जाता, एकदम प्राउड होता कि हाँ भैया मेरा बना है मुख्यमंत्री। तो आपके यहाँ से लोग बने हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके नजदीकी हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, हमारा जसपुर जिला खुश है। हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस चीज को, हमारे बहुत खुश है। आप कुछ काम करवाना चाहते हैं उनसे? हमको उनसे कोई काम की जरूरत नहीं है, हमारे पूरे समस्या क्षेत्र की समस्या उनको पता है। हाँ। एक एक घर की समस्या पता है उनको। हाँ। और हमको पता है कि वो पूरे समस्या को बहुत साधारण एकदम आसानी से निपटा देंगे, एकदम सहज व्यक्ति है, बोलते हैं किसी से लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, सीधा साधा है ना। हाँ, इनकी आवाजें कहीं में मोटा नहीं है, बहुत सीधा साधा है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, मतलब हमारे लिए। विरोधियों से कैसे लड़ेंगे जी? है विरोधियों से कैसे लड़ेंगे जी? देखिए राम राज में अपना धर्म का राज हो, सही साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, काम बोलता है विष्णुदेव साय जी का, काम बोलेगा। और जसपुर जिले का नाम पूरे छत्तीसगढ़ में बोल रहा है। तो विष्णुदेव साय के साथ जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मदन लाल सोनी। कहाँ के रहने वाले? जसपुर। विष्णुदेव साय से हम उनके नजदीकी उन लोगों को खोज रहे हैं, तो आप कितने नजदीक? ये बस करीब है, एकदम भाई जैसा है उनके साथ। भाई जैसे? हाँ, उनके परिवार से हमारे पिताजी के अच्छे संबंध रहे हैं। हाँ विष्णु साय, और ये और करीबी हमारे और नजदीक जाते हैं विष्णुदेव साय के। आपका क्या नाम है? हमारा कर्णपाल सिंह है। अच्छा। हमारे कुनकुरी विधानसभा से हैं। हाँ। हम लोगों ने जिताया है। हाँ। शारदा धाम और कस्तूरा मंदिर में उसके लिए हम लोगों ने पूजा पाठ करके धरना दिया है, नारियल चढ़ा कर रखा है, जब वापस जाएंगे और स्वयं उतारेंगे जी। क्या क्या किस किस तरह का पूजा होता है? जगन्नाथ भगवान कर मनोती माने हैं, हमारे विधायक जो है जीते और बड़ा आदमी बने करके, हम गृह मंत्री जी आए थे अमित शाह जी, उन्होंने कहा था हमको विधायक जिता कर दे दो, हम बड़ा आदमी बना करके भेजेंगे, कहा था उन्होंने। आपको यकीन था मुख्यमंत्री? पूरा विश्वास था,
पूरा जिता कर भेजे हम लोगों ने। जब चुनाव लड़े तभी से आपको पता था कि पूरा पूरा हमको पूरा भरोसा था, अमित शाह के ऊपर पूरा भरोसा था, बड़ा आदमी बनाकर भेजेंगे उन्होंने वादा किया था, हो गया पूरा वादा पूरा हो गया। ये बताइए कि बचपन में कैसे थे विष्णुदेव साय? जैसा अभी है वैसे पहले भी थे, एकदम सरल सरल, लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल बिना दाग दबेट के हैं, बिल्कुल साधारण परिवार से हैं विष्णुदेव साय जी। उनका तो दादा और बड़े पापा सब नेता में थे और साधारण परिवार, जमींदार परिवार से है, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हाँ, आप लोगों की मदद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या मदद किया है? क्या मदद किया? जैसे उस क्षेत्र का विकास के लिए जो जो भी आवश्यक चीज है सब विकास में सहयोग करते हैं। हाँ। आगे भी करेंगे। अब तो साथ में खाना खाते हैं? बिल्कुल साथ में खाना खाते हैं। हाँ, कई बार खा लिए। बताइए कोई किस्सा उनसे जुड़ा हुआ जो आपको दिल में हमेशा याद रहता हुआ कि इतने साल हो जाने के बाद भी ये वाला किस्सा नहीं भूलता हूँ? उस प्रकार से अगर पूछेंगे तो हम तो आरएसएस के प्रचारक रहे, हमारा उनके साथ वादा हुआ है, हम जब भी मिलेंगे 5 मिनट के लिए अकेले हम दोनों बात करेंगे, वो भी निभाते हैं, मैं भी निभाता हूँ। सीएम बनने के बाद हम दोनों एक साथ बैठेंगे, हमारे घर वो आएंगे, एक नंबर, उनके विधानसभा में हमारा घर पड़ता है। ये बताइए मुझे, वो जो 5 मिनट की बातचीत होती है उसमें कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहते उसमें, वो रहते हैं और मैं रहता हूँ। वो जब सांसद थे तब से ये हमारी वादा है। ये वादा कब से चल रहा है, कितने सालों से? ये 2006 से जब वो सांसद हुआ करते थे तब से। वैसे क्या बातचीत होती थी? जो भी हमारी बात है संगठनात्मक, हम तो आरएसएस के प्रचारक रहे। कैसे सरकार बनानी है सब जो भी अंदर की बातें हम दोनों करते हैं, उसको यहाँ कैसे बता दूं? क्या नाम बताया? हमारा कर्णपाल सिंह। कर्णपाल सिंह, बिल्कुल। तो विष्णुदेव साय के जो करीबी लोग हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे थे और बहुत सारे किस्से आपको समझ में आए होंगे कि 5 मिनट वाली बातचीत और उनके गाँव के उनके पड़ोसी उनको कितना मानते हैं, ये सब आपको मैं बता रहा हूँ। और क्योंकि जसपुर से बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।